दस साल पुराने एक नेचुरल डिजास्टर जो हुआ था उसके आज तक के जो इंप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नाउ ये कॉमन पॉप नॉलेज की बात है कि 2011 में बेसिकली जापान में एक बड़ी सुनामी आई थी एक नाइन रिक्टर स्केल पर नाइन का जो था उतना बड़ा बेसिकली एक अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से एक मेजर सुनामी आई अब उस सुनामी का जो सबसे बड़ा मेजर फॉलआउट था वो ये था कि जापान के कोस्ट पर बना हुआ एक फुकूशीमा नाम की जो जगह पर यहाँ पर फुकुशीमा न्यूक्लियर रिएक्टर ये पूरा का पूरा डैमेज हो गया पानी इसके अंदर घुस गया जो इसके क्रिटिकल स्ट्रक्चर थे क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे जो कंट्रोल करते थे इसको वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए उनमें पानी भर गया दे फेल हो गए और जो यूरेनियम की जो रॉड्स इस न्यूक्लियर रिएक्टर में लगी हुई थी दे स्टार्टेड फॉलिंग आउट दे स्टार्टेड मेल्टिंग और उस न्यूक्लियर फॉल आउट को पिछले दस साल से कंटेन करने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन इज कम्ड कि वो जो कंटेन किया जा रहा था वो किया जाता है पानी के द्वारा ठीक है ये जो न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट होने लग रहा है इसको कोल्ड रखने का एक तरीका है कि उसको पानी के अंदर डुबा के रखो एंड आफ्टर दैट वॉटर गेट कंटेमिनेटेड उस पानी को कहीं और स्टोर कर दो पिछले दस सालों से यह प्रोसेस चल रहा है एंड दैट वाटर जो कंटेमिनेटेड है वो बहुत सारा इकट्ठा हो गया ना ओ फुकूशीमा दिन इज एक्चुअली प्लानिंग टू रिलीज द सेम वाटर इन टू दिन पूरा डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर ये हम जानते होंगे दिस इज साइन न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जो कि फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ था मार्च 2011 में जापान के बिल्कुल कोस्ट पर है एक्जेक्टली 10 साल पहले की बात है ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9.0 पॉइंट जीरो अर्थ को एक स्ट्रक एक सुनामी आई सारे के सारे क्रिटिकल कंट्रोल इक्विपमेंट हुए और एक मेल्ट डाउन मेल्ट डाउन मतलब कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है अंदर जो यूरेनियम की रॉड्स होती हैं वो लिटरली इतनी गर्म हो गई कि वो मेल्ट डाउन होने लग गई फॉर नियरली अ डेकेड द प्लांट वर्कर्स हैव कूल्ड दी रैकेज विद वाटर ये जितना भी रैकेज था इसको पानी के द्वारा कूल किया जाता है एक दस साल हो चुके हैं सेम काम को करते करते अब जो ये कंपनी जो ये काम करती है टोकियो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी यानी कि टेपको इस फेसिंग ए न्यू प्रॉब्लम कि जितना रेडियो वाटर इकट्ठा हो गया है उसका क्या किया जाए जापान का प्लान है कि इस सारे के सारे पानी को समुद्र में रिलीज कर दिया जाए विच इज मोर देन ए मिलियन टन ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड फुकुशीमा न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्टेशन इसको कम से कम दो साल के बाद स्टार्ट करने लगेंगे एंड थिंक अबाउट इट कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जितना पानी इकट्ठा हुआ है उसको समुद्र में ट्रीट कर... ऐसा नहीं है कि उसको रेडियो एक्टिव रहने देंगे अ ट्रीटमेंट टू इट विल डिस्कस इट ट्रीटमेंट करके उसको दो साल के बाद स्टार्ट होगा एंड इट वुड टेक मोर देन डेकेड उस पूरे के पूरे पानी को समुद्र में फैलाने के लिए आइए पूरे प्रोसेस को समझते हैं आप ये बात जनरल जानते हैं साइंस का सबसे बेसिक है हम नाइन्थ क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में यह पढ़ लेते हैं हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है उसका बेसिक तरीका क्या होता है ठीक है एक हर एक हर रिएक्टर के अंदर बड़े सारे से यूरेनियम पैलेट्स या यूरेनियम रॉड्स लगी होती है नेचुरली रेडियो एक्टिव एंड अंडर गोज ए प्रोसेस इसके एटम ऑटोमेटिकली डिके हो जाते हैं और स्प्लिट होते हैं एट अ प्रिडिक्टेबल रेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस चीज को एमिटिंग न्यूट्रॉन्स एंड हीट अगर इस चीज को अनकंट्रोल कर दिया जाए ठीक है उसको अनकंट्रोल कर दिया जाए इस फिजन को इस प्रोसेस को जिसमें इस न्यूट्रॉन ब्रेकआउट इसमें जो एटम्स जो हैं ब्रेकआउट करते हैं और हीट रिलीज करते हैं तो वो एटम बॉम्ब बन जाता है राइट अनकंट्रोल हो गया तो एक साथ अनलिमिटेड अनकंट्रोल तरीके से एनर्जी रिलीज कर देगा जब ये चीज कंट्रोल्ड होती है इस चीज को कंट्रोल करने के तरीके हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा रखे हैं हम यूरेनियम को लेते हैं और उसका जो फिजन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते रहते हैं उस कंट्रोल की वजह से जो ये हीट है ये हमारे कंट्रोल में रहती है इसी हीट से हम बेसिकली पानी को बॉयल करते हैं जिससे स्टीम टर्बाइंस चलती हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और बहुत ही क्लीन तरीके से बस इसमें ये खतरा रहता है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इसको हैंडल करने के में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से जैसे कि हमने पहले कहीं देखा होगा चरनो में एक बार एक डिजास्टर ह्यूमन एरर की वजह से कंप्लीटली बड़ा मेजर डिजास्टर uh, हुआ था वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन मेड डिजास्टर उसी प्रकार से फुकुशिमा में एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम हो गई न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंट्रोल कंट्रोल रेट्स सराउंडिंग द फ्यूल विद दैट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स ठीक है तो ये जो फिजन होने लग रहा है इसमें जितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं एक बार एटम को स्प्लिट होने से अगर इसको जाने दो तो ये अनलिमिटेड हो जाएंगे ऑटोमेटिक है एक एग्जाम्पल देखिए एक एटम है ब्रेकआउट हुआ इसने तीन न्यूट्रॉन्स निकाले ये और तीन एटम्स को करेगा फिर उसने तीन और न्यूट्रॉन्स निकाले ये नौ को कर देगा विद इन वन मिनट ये कम से कम मिलियंस में पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली exactly. जय हो वाला है सलमान खान जी बोलते एक आदमी तीन आदमियों की हेल्प करेगा वो तीन आदमी अगले तीन आदमियों की हेल्प करेगा वो तीन आदमी अगले तीन आदमियों की हेल्प करेगा लेकिन वो ये बताना भूल गए कि ऐसे तो 27 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा भारत कंप्लीट हो जाएगा ऐसे तीन तीन वाली बात है फिर उसके बाद किसकी हेल्प करेंगे दिस इज वॉट द फ्यूजन रिएक्शन इज कि वो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू नाइन नाइन इंटू फिर एटीन हो जाता है फिर एटी से सेवन एटी चला जाता है इस प्रकार से वो और होता रहता है इस चीज को कंट्रोल करना होता है कि न्यूट्रॉन निकले एक फिर आगे से एक और स्प्लिट हो फिर एक और निकले और इससे एनर्जी जो निकली उसको पानी गर्म कर लिया और स्टीम टर्बाइन चल गए अर्थक्वेक आया प्लांट्स रिएक्टर्स विद स्टूड द डैमेज परंतु पानी इट लॉस्ट द पावर जो थे क्रिटिकल ऑपरेटिंग इक्विपमेंट थे वो फ्लड हो गए कूलिंग सिस्टम्स थे वो वर्क करना बंद हो गए ट्रिगरिंग अ मेल्ट डाउन लिटरल मेल्ट डाउन जो रॉड थी वो एक्चुअली में पिघलने लग गई वर्कर्स इवेंचुअली कंटेन द मेल्टाउन बट दे हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट टेन ईयर्स उस पूरी की पूरी साइट को पानी से भर कर रखते हैं और जब रेडियो एक्टिव हो जाता है तो उस पानी को निकाल के बाहर स्टोर कर देते हैं रिएक्टर्स जब डैमेज हुए थे ऑटोमेटिक शटडाउन एंड द सेफगार्ड सिस्टम्स जो थे वो फेल हो गए सो डेड द कूलिंग सिस्टम यूजली रिएक्टर में बने होते हैं कोई एमरजेंसी हो तो ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाए और सेफ हो जाए और ऑटोमेटिकली जो रिएक्टर के अंदर की जो यूरेनियम रॉड्स हैं उनको पुल आउट कर लिया जाता है परंतु अगेन ऐसे मेजर डिजास्टर था नेचुरल डिजास्टर था उसकी वजह से वो सारे के सारे जो थे वो चीज़ें फेल हो गई हेंस उनको बाहर नहीं निकाल पाए फिजन स्पेडअप अंटिल दूल्स टेम्परेचर वॉज हॉट इनफ टू लिक्विफाई एंड रॉड बिगे वर्कर्स ने पानी भर भर के भर भर के उसको एक्सपोज फ्यूल को थोड़ा कंट्रोल में किया लिविंग हाईली रेडियो एक्टिव वाटर पूलिंग इन द बिल्डिंग्स एंड सीपिंग इन टू ग्राउंड वाटर दो हजार ग्यारह से सेम प्रोसेस चल रहा है फ्यूल अभी भी गर्म है उसको ठंडा करने के लिए किया जा रहा है अब यहां पर आप जो फिगर देख रहे हैं वो जो रेडियो एक्टिव वाटर है वो इन सबके सब, सब टैंकों में भर के रख दिया है

कर रहा है कई जगहों परंतु पर वो कोशिश किया जाता है कि उस पानी को जैसी वो एक लेवल से ज्यादा कंटेमिनेटेड हो जाए तो उसको जाके इन बड़े बड़े स्टोर हाउसेज में स्टोर कर लिया जाता है अभी 1.3 मिलियन टन यानी कि तेरह लाख टन पानी बेसिकली इन बॉक्सेज में इन स्टोरेज टैंक्स में भर कर रखा हुआ है इस पानी को समुद्र में रिलीज करना है जापान को इस समय टेपको का प्लान है कि पूरे के पूरे पानी को जो जितना भी कंटेमिनेटेड वाटर है इसको फिल्टर किया जाए और इसके अंदर से जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से उनको निकाल लिया जाए ऑब्वियसली सिर्फ एक आइसोटॉप रह जाएगा ट्रीटियम विच इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम वाटर ठीक है एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ट्रीटियम हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के दो हैं एक तो हाइड्रोजन डाइट्री डायट्रियम और ट्रीटियम ट्रीटियम को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ट्रीटियम को सेपरेट नहीं करने के बावजूद भी उसके साथ ही साथ उसके बाद पानी को डाइल्यूट करके पानी के uh, समुद्र के अंदर फेंका जाएगा दैट इज द प्लान टेपको विल देन डाइल्यूट डायल्यूट वाटर अंटिल ट्रीटियम लेवल्स फॉल बिलो द रेगुलेटरी लिमिट्स बिफोर पंपिंग इट डायरेक्टली इन द ओशन फ्रॉम द कोस्टल साइट वाटर कंटेनिंग ट्रीटियम इज रूटीनली रिलीज

तो ये मत सोचना कि हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो होता है ट्रीटियम वैसे डायरेक्टली इतनी एनर्जी नहीं क्रिएट करता है जिससे ह्यूमंस को डायरेक्टली नुकसान पहुंचे जैसे कि अगर यूरेनियम को हाथ में ले लेंगे तो यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स हैं या यूरेनियम इट सेल्फ इट रिलीजे सो मच एनर्जी इतनी गामा रेज करता है कि वो हमारे सेल्स को ही नुकसान पहुंचा सकता है हार्मफुल होता है वेरस जो इसोट हाइड्रोजन का है ट्रीटियम इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट कर दे देवर वेन ट्रीटियम इज इंजेक्टेड अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो बेसिकली कैंसर इट 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 इज अ कार्सिनोजन बेसिकली कैन क्रिएट कैंसर इन साइड द ह्यूमन बॉडी ये वाली बात है ये तरीका है दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द फुकुशीमा इतना बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ दस साल से पानी इकट्ठा करे जा रहे हैं वो उसको ठंडा करने के चक्कर में और उस पानी को अब बेसिकली समुद्र में पहुंचाने की बात है एनवायरमेंटल डिजास्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है एनवायरमेंट से संबंधित इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल ले या फिजिक्स का ले लो केमिस्ट्री का ले लो बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड मेंस पर डिजास्टर से संबंधित भी कोई क्वेश्चन आएंगे ठीक है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर की फिजिबिलिटी पर क्वेश्चन आएंगे कि क्या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने चाहिए क्योंकि अगर ऐसा मेजर डिजास्टर हो जाता है तो पूरी की पूरी साइट को ही खत्म कर देता है देन यू विल मैंशन द फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर इंसिडेंट एज द इन एज ए चैलेंज फॉर द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स द फर्स्ट वाटर रिलीज इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर द टू ईयर दो साल तक ये पानी रिलीज नहीं होगा टेपको विल यूज टू बिगिन फिल्टरिंग द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे रेगुलेटरी अप्रूवल होंगे अंटिल देन द बिल्डअप ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर विल कंटिन्यू विद द एनुअल कॉस्ट ऑफ दॉटर स्टोरेज एस्टिमेटेड एड अबाउट हंड्रेड बिलियन एन नौ सो बारह मिलियन डॉलर यानी कि 6 से सात हजार करोड़ रुपए के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली लगा दीजिए उनकी एनुअल कॉस्ट आ रही है उस कंटेमिनेटेड वाटर को स्टोर करने की कंटेमिनेटेड वाटर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पंप से लिया और किसी ने पंप लगा के कहीं पर भर दिया उसको उसको टच करना भी बेसिकली किसी भी जो वर्कर्स है उनके लिए भी हार्मफुल uh, हो सकता है सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड बस ये है कि खर्चा बहुत हो रहा है जापान का और उस खर्चे से बचने के लिए उसको समुद्र में डालने की कोशिश की जा रही है वाटर डिस्पोजल विल टेक टू कंप्लीट विद द रोलिंग फिल्टरिंग एंड डाइल्यूशन प्रोसेस डायल्यूशन साइड तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा कि अचानक से खोल दिए सारे के सारे नल और सारा पानी बह गया इट टू टेक मोर देन देस बट धीरे धीरे खर्चा कम होगा दिस इज द प्लान इन केस यू नीड द डी ऑफ दिस क्लास यू कैन ऑलवेज फाइंड इट एट टेलीग्राम चैनल ऑफ अमित किलहोर और उसके साथ साथ हम इस टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली वॉइस चैट्स भी करते हैं वेर यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी वन ऑन वन बात कर सकते हैं इवनिंग में कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पर हम वॉइस चैट करते हैं तो इफ इन केस यू टू गेट इन टच विद मी डेफिनेटली कम ऑन द क्या नाम है टेलीग्राम चैनल एग्जैक्टली या अबाउट द कमेंट्स इट टेक्स जस्ट वन मिनट एक्चुअली लेस इट टेक्स लाइक टेन सेकेंड थैंक यू Have a nice day. Bye.